इंडिया का भविष्य हमारे बच्चों के भलाई और विकास पर निर्भर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, देश भर के लाखों बच्चों को जरूरी देखभाल और सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने एक पहल शुरू की है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम यानी ICDS के बारे में, जो कि भारत में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है। यह पहल कुपोषण, प्रारंभिक शिक्षा और मातृ स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ICDS योजना की शुरुआत 1975 में हुई थी और तब से यह दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे बचपन देखभाल कार्यक्रमों में से एक बन गया है। यह योजना 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर केंद्रित है। इस योजना को 5 मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पहला, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। दूसरा, उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। तीसरा, शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण दर को कम करना। चौथा, बाल विकास में शामिल विभिन्न विभागों के बीच नीति कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना। और पांचवा, माताओं की क्षमता को बढ़ाना ताकि वे अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों का ख्याल रख सकें। तो ICDS योजना इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करती है? जमीनी स्तर पर दी जाने वाली अपनी व्यापक सेवाओं के माध्यम से। इन सेवाओं में शामिल हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बच्चों और माताओं में कुपोषण से निपटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर भोजन प्रदान किया जाता है, इम्यूनाइजेशन खसरा, पोलियो और तपेदिक जैसी रोकी जा सकने वाली बीमारियों के लिए टीकाकरण, हेल्थ चेकअप्स, नियमित स्वास्थ्य निगरानी और चिकित्सा सेवाएं, रेफरल सर्विसेज, स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चों को उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रेफर करना, प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार करने के लिए बुनियादी प्रारंभिक बचपन शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन पोषण और बच्चों की देखभाल से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं पर माताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम। ICDS योजना के केंद्र में आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो इन सेवाओं को प्रदान करने वाले मुख्य केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में पूरे भारत में 14 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन सेवाओं को प्रदान करते हैं और महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख सामुदायिक कार्यकर्ता है। सेवाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होता है। ICDS योजना का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने कुपोषण दर को कम किया है और पूरे भारत में बच्चों के जीवित रहने की दर में सुधार किया है। हालांकि अभी भी चुनौतियां हैं। सफलता की कहानियों में उन माताओं और बच्चों के अनुभव शामिल हैं जिन्होंने इस योजना से लाभ उठाया है। दूसरी ओर, अपर्याप्त धन जैसी चुनौतियां, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। हाल के वर्षों में सरकार ने ICDS योजना में सुधार के लिए नए सुधार और पहल शुरू की है। उदाहरण के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत, सेवाओं की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम लाखों छोटे बच्चों और पूरे भारत में माताओं के लिए एक जीवन रेखा है। सही समर्थन और निरंतर सुधार के साथ इसमें देश के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सरकारी योजनाओं, सामाजिक मुद्दों और समाज में बदलाव लाने के तरीकों पर अधिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।